हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संकल्प जैन। मैं आज आपसे एक ऐसे केस के बारे में बात करना चाहता हूं जहां पे हस्बैंड वाइफ जो कि दोनों लोग एंजाइटी ग्रसित हैं, एंजाइटी उनको डिसऑर्डर कह लीजिए या फिर उसको हम एक जनरल कह लें कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, दीज पीपल थिंक टू मच, एक दूसरे से इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं, एक तरीके की सेक्सलेस मैरिज है ये। बट यहाँ पे हम एक चीज कहना चाहेंगे कि कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू आर गेटिंग मैरिड, टॉक अबाउट दीज थिंग्स, टॉक अबाउट देयर कंपैटिबिलिटीज, टॉक अबाउट देयर anything about their general well-being, what they like, what they dislike, about कुछ लोगों को traveling पसंद होता है, कुछ लोगों को traveling नहीं पसंद होता, उनको motion sickness होती है, so these people refrain from going out, versus जिसको एक partner को जिसको traveling बहुत पसंद है उसको कहीं ना कहीं problem होती है, तो ये compatibility है। compatibility अगर normal well-beings में नहीं होगी तो शादी के बाद में normal sexual life को cater करने में कैसे होगी, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत important है, बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बात करें, जस्ट टॉक इट आउट। एंड कपल काउंसलिंग्स हम आज डॉक्टर जैन पे करते हैं यूजुअली, एंड उसमें हमें आधे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो लगती हैं कि हम बात ही नहीं करी आपस में, किसी ने 6 महीने बीत गए शादी के, बात ही नहीं हुई है, वो अपने में किसी एक ईगो लेके बैठे हैं, वो अपने में एक ईगो लेके बैठे हैं और उस चीज से फिर गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन आता है, तो अल्टीमेटली मैरिजेस डिस्टर्ब होती हैं। जस्ट ट्राई कंसल्टिंग अ जनरल डॉक्टर, कंसल्टिंग अ साइकाइट्रिस्ट, कंसल्टिंग अ फर्टिलिटी हेल्थ एक्सपर्ट, काइंड मतलब किसी से भी आप कंसल्ट